हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुटज फिटिंग अभिक्रिया, जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि जरूर आता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे बुटज फिटिंग अभिक्रिया, इससे पहले हम बुटज अभिक्रिया किसे कहते हैं बता चुके। अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर है, ठीक है। अगर आप हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को समझे होंगे तो आप इसे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। अगर आप हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को नहीं जानते होंगे तो हमने पूरे बिल्कुल डिटेल्स में एक ईजी तरीके से पूरे इंट्रोडक्शन को बताए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बुटज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम जानेंगे बुटज फिटिंग अभिक्रिया का डेफिनेशन, परिभाषा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसके रिएक्शन को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आपके केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जानेंगे हम पहले बुटज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी भी हेलो एरिन को, हेलो एरिन मीन्स आप लोग समझ गए। यहाँ पे देखिए, हेलो मीन्स हो गया हेलोजन वर्ग का तत्व, ठीक है। आवर्त सारणी होता है पीरियोडिक टेबल के 17 वर्ग के तत्व को हेलोजन वर्ग का तत्व कहता है, कहते हैं, उससे ही हेलो कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, हेलोजन वर्ग के तत्व को हेलो कहते हैं शॉर्टनेम में। तो जैसे हेलोजन वर्ग के कौन कौन से तत्व हो गए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इस तरह के तत्व हो गए। तो यहाँ पे वही कहा गया कि हेलो एरिन्स मीन्स क्या हो गए, एरिन, ठीक है। एरिन जो होता है, एरिन मीन होंगे क्या, बेंजीन, ठीक है। एरिन मीन्स क्या हो गए, बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी हेलो एरिन को क्या करते हैं, हेलो मीन्स क्या हो गया कि हमने बताया, हेलो मीन्स क्या हो गया, हेलोजन वर्ग का तत्व, तो जैसे क्लोरीन, हेलोजन वर्ग का तत्व, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। तो यहाँ पे हम किसी भी तत्व को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन को, और यहाँ पे हमने एरिन मीन्स क्या होता है कि बेंजीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी हेलो एरिन, जब हेलो एरिन दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन और बेंजीन दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, सीएल लग गया है क्लोरीन, तो यहाँ पे ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी, जैसे यहाँ पे बुटज फिटिंग अभिक्रिया को बता रहे थे कि किसी भी हेलो एरिन को जब सोडियम धातु के साथ, ठीक है, किसी भी एल्किल हैलाइड, अब यहाँ पे एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, जैसे एल्किल मीन्स हो गया कि किसी भी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, किसी को भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेथिल को जैसे हमने ले लिया CH3, ठीक है, और यहाँ पे हैलाइड मीन्स क्या हो गया, हेलोजन वर्ग का तत्व हो गया, उसको हेलो कहते हैं, हेलोजन कहते हैं, हैलाइड कहते हैं, ठीक है। एक ही बंदा है बट उसका नाम क्या है, अनेक है। तो यहाँ पे देखिए, एल्किल हैलाइड हमने बताया, तो यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, फिर उसके बाद हैलाइड को किसी को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन को ले लेते हैं या ब्रोमीन को, किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया CH3Cl, ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है। तो फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं, किसी भी हेलो एरिन को, हेलो एरिन आप समझ गए, किसी भी हेलो एरिन को सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है, सोडियम धातु और किसी भी हेलो एरिन को सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क इथर, ड्राई इथर के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, रिएक्शन कराया जाता है, तो वो टाइलुइन बनाता है, उसी को ही कहते हैं बुटज फिटिंग अभिक्रिया। ओके, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, आई हो तो आपको देखिए डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका रिएक्शन आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका हम क्या देखेंगे, रिएक्शन देख के बाद देखिए, यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हम क्या लेंगे,
हेलो एरिन हमने बताया था। हेलो एरिन में हमने क्या बताया था कि एरिन मिस होते हैं बेंजीन और हेलो मिस किसी भी हेलोजन वर्ग का तत्व ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये किसके फॉर्मूला है जानते हो आप लोग, ये किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन का जो कि सी एच जिसके प्रत्येक कोने पर क्या लगा हुआ है, सी एच लगे हुए। ठीक है, छह कोने हैं, छह कोने पर सी एच जुड़ा हुआ है। यहाँ पे छह कार्बन और छह हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ ये तत्व, ठीक है, ये बेंजीन कहलाता है। यहाँ पे आप लोग इसको और भी डिटेल्स में अगर जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, अपलोड कर दिए गए, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एजिन की बिल्कुल पूरी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया बेंजीन। ठीक है, अगर इसमें हम यहाँ पे क्या कर दिए, क्लोरीन को ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे इसी को ही कहते हैं हेलो एरिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं और इसको देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसको तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए कि क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्योंकि यहाँ पे सीएल लगा हुआ है इसलिए इसको क्या करें, क्लोरो। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे देखिए हम बेंजीन को हमने वहाँ पे बताया है कि बेंजीन को यहाँ पे एक छोर एक पर डबल बॉन्ड लगाते हैं या इसके पीछे क्या कर देते हैं, लड्डू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोला कर देते हैं, ये भी बेंजीन का हो जाता है फॉर्मूला। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपके रिएक्शन क्या हो जाएंगे, और भी ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस, और हमने क्या बताया डेफिनेशन में कि सोडियम धातु के साथ, ठीक है, सोडियम धातु का फॉर्मूला Na प्लस। यहाँ पे हमने बताया किसी भी एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में हमने क्या लिया था, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है CH3Cl। ठीक है, क्या होता है, CH3Cl। बट इसको हमने क्या कर दिया, इस तरह लिख दिया, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं है, ये फॉर्मूला मेथिल क्लोराइड का ही है। तो यहाँ पे हमने CH3Cl को इस तरह लिख दिया क्योंकि जो रिएक्शन है वो क्या हो जाए, और भी इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम राउंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको राउंड कर दिया और यहाँ पे हम लगाएंगे एरो, क्योंकि तीर के निशान रिएक्शन को करने के लिए लगाते हैं। यहाँ पे हमने एरो लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इन दोनों बंदे को क्या कर दिया, राउंड कर दिया, आप लोग को कहीं नहीं जाना। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत भाग रहे थे इसलिए हम इसको क्या कर दिया, अरेस्ट करके रख दिए। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे Na और यहाँ पे दो Cl हैं, कितने Cl है, दो Cl है, कह रहे हैं कि ये सोडियम हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे कहीं क्योंकि तुम अकेले ही हो। तो यहाँ पे देखिए सोडियम की संख्या को भी हम दो कर देते हैं, भाई तुम भी दो हो जाओ, क्यों अकेले चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो सोडियम हो गया और दो क्लोरीन हो गया। तो ये रिएक्शन करके क्या बना दिया, एक नया तत्व बना दिया है NaCl। ठीक है, यहाँ पे हमने दो कर दिया इसके आगे, तो यहाँ पे सोडियम की संख्या भी दो हो गई और यहाँ पे क्लोरीन भी क्या हो गया, दो ही हो गए। तो यहाँ पे हमारा NaCl निकल गया, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं। ठीक है, ये नमक का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे देखिए जो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये किसके उपस्थिति में हो रहा है, तो यहाँ पे ये ड्राई ईथर, यहाँ पे ये शुष्क ईथर के उपस्थिति में ये रिएक्शन पूरे क्या हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने 2 NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे यहाँ से
क्या कर दिया, निकाल कर यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद एक तत्व तो यहाँ पे बन चुका है NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर उसके बाद और भी जितने भी यहाँ पे तत्व बचे हुए हैं इनको हम ऐड करके यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बचे हुए हैं, यहाँ पे एक एरिन बचा हुआ है जिसे वेंजीन कहते हैं, और यहाँ पे CH3। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, टाइलुइन। ठीक है, यहाँ पे इसकी फार्मूला यहाँ पे ये टाइलुइन बना लेता है। क्या बना लेता है, टाइलुइन। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बेंजीन बचा हुआ है और यहाँ पे ये CH3, ये दोनों ऐड हो गए तो क्या बना लिया, टाइलुइन। तो इस तरह यहाँ पे ये रिएक्शन जो हो गया ये क्या हो गया, संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया। और यहाँ पे अब इसको हम संतुलित करेंगे। ये देख रहे हो आपकी ये पहले से ही संतुलित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है, तो इधर भी सोडियम की संख्या 2 है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे फ्लोरीन की संख्या 2 है, इधर हमने सोडियम और क्लोरीन के आगे 2 लगा दिया, दोनों की संख्या 2 हो गए। और इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 है। ठीक है, बेंजीन की संख्या 1 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 एक ही है, यहाँ पे ऐड हो गया तो ये टाइलुइन बना दिया। तो इस तरह हमारा ये रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित हो गया और पूर्ण हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं बुंटस फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे हमने आप इस रिएक्शन के माध्यम से इसके डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने डेफिनेशन बताया था उसी तरह यहाँ पे ये रिएक्शन बता दिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।